बड़ी खबर, मुठभेड़ में 1.5 लाख का इनामी लक्ष्मण गिरफ्तार हुआ है। गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया है। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराजगंज क्षेत्र के नेहरूपुर के बनकटा में हुआ है ये मुठभेड़। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 लाख का इनामी लक्ष्मण घायल हुआ है। गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया है। महाराजगंज क्षेत्र के नेहरूपुर के मनकटा के पास हुई है ये मुठभेड़ और पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 लाख का इनामी लक्ष्मण घायल हो गया है इस मुठभेड़ में, साथ ही साथ एक सिपाही भी घायल हो गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 लाख का इनामी लक्ष्मण घायल हुआ है, साथ ही साथ एक सिपाही भी घायल हो गया है। क्या कुछ स्थिति है सिपाही की? जो मुठभेड़ हुई है, आज जो घटना बताई गई, उस दौरान जो दो बदमाश बाइक सवार जो है किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, उस सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई की गई। उसी दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लक्ष्मण यादव, जिसके ऊपर करीब 50 से अधिक मुकदमे दर्ज है, पूर्वांचल के कई जिलों में इसका आतंक रहा है, लूट और हत्याओं के मामले में, वही दूसरा साथी के साथ अभी कैंपेन की जा रही है। साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल है, उसको भी जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। सबसे खास बात यह रही है कि एक सप्ताह पूर्व एक पूर्व डीआईजी के उनके भाई की भी राजू सुल्तानपुर में हत्या की गई थी, और ये मामला जनपद आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के नेहरूपुर के बनखटा गांव के पास मुठभेड़ जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। महाराजगंज क्षेत्र के नेहरूपुर के बनकटा के पास हुई है ये मुठभेड़। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, यूपी पुलिस का ऑपरेशन की लगातार जारी है। यहां पर 1.5 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। और यूपी पुलिस का ऑपरेशन की लगातार जारी है। यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कई दिनों से इस बदमाश की पुलिस को तलाश थी और 1.5 लाख का इनामी लक्ष्मण अब पुलिस की गिरफ्त में है। आगरा से इस वक्त